जिला कांगड़ा के तहत कोना पंचायत के लोगों को न्यूगल नदी पर पुल न होने के कारण जान जोखिम में डालकर नदी को पार करना पड़ता है। पंचायत के लोगों ने खुद के पैसे से लकड़ी और लोहे की पुलिया बनाई है, लेकिन हर साल बरसात के पानी में ये पुलिया बह जाती है। पुलिया के बह जाने से ग्रामीणों को बस पकड़ने के लिए 5 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है। लोगों ने मुख्यमंत्री से यहाँ पर स्थायी पुल के निर्माण की मांग की है। जिला कांगड़ा की सुलह विधानसभा की कोना पंचायत के बाशिंदों को आने जाने के लिए न्यूगल नदी पर पुल नहीं होने के कारण बरसात के दिनों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खासकर बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बीमार बुजुर्ग को काफी परेशानियां पेश आती हैं। समस्या को देखते हुए ग्रामीणों ने न्यूगल नदी पर 20 मीटर लंबा लोहे और लकड़ी का बरसात के दिनों में पुल बनाया है। इससे अब ग्रामीण एक घंटे की दूरी महज 10 मिनट में तय कर लेते हैं। कोना पंचायत के बाशिंदे वर्षों से न्यूगल नदी पर स्थायी पुल की मांग कर रहे हैं। न्यूगल नदी पर लोहे और लकड़ी का पुल बनाने में लगभग हर साल 25 से 30 हजार रुपए का खर्च आ जाता है, जिसे गांव के लोग खुद ही मिलकर वहन कर लेते हैं। वहीं ये पुल हर साल नदी में बरसात के दिनों में बह जाता है। बरसात के दिनों में इस लोहे एवं लकड़ी के पुल बह जाने पर अक्सर ग्रामीणों को बस पकड़ने के लिए बस स्टॉप तक जाने के लिए 5 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है। पंचायत के लोगों का कहना है कि न्यूगल नदी पर स्थायी पुल के निर्माण की मांग वे काफी वर्षों से सरकार से कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। कोना पंचायत के लोगों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से यहां स्थायी पुल के निर्माण की मांग करते हुए कहा कि पुल बन जाने से उन्हें आने जाने में सुविधा मिलेगी और लगभग आधा दर्जन गांव के लोग लाभान्वित होंगे। और यहाँ पे रात को भी आना पड़ता है तो डर लगता है यहाँ पे आने को। ट्यूशन वगैरह भी रखते हैं हम, तो बड़ा डर लगता है यहाँ पे आने का भी जाने का भी। कोई साधन नहीं है, गाड़ियों का आने का भी कुछ नहीं, साधन नहीं बनता यहाँ पे। और यहाँ पे इस जो ये छोटा सा पुल बनाते हैं हम, ये हर साल बनाते हैं, तो ये भी कई बार जो नदी आने के बाद वो भी बह जाता है। तो मेरी अनुरोध है मंत्री जी से कि यहाँ पे एक पुल का निर्माण किया जाए। हमारे को पुल की समस्या सर में, अच्छा पुल तो पड़ा हुआ है लेकिन वो 5 किलोमीटर का घूम के जाना पड़ता है, तो जो रात बेरात प्रॉब्लम आती है लड़के लड़के वह जाने के लिए आती है। कोई रास्ते जंगली एरिया, कोई जानवर वगैरह कोई घटना हो जाए तो क्या नदी पर हमें क्रॉस करके जाना पड़े, क्योंकि हमारे को बाजार में कोई भी जरूरत है, फैसिलिटी चिकित्सा की है, चाहे बैंक की है, चाहे कोई भी सामान लेना, तो नदी से होकर जाना पड़ता है। तो इधर पुल ना होने के कारण हमें एक अस्थायी रूप से पुल बनाया हुआ है, जो हम कोना पंचायत साथ में 5 पंचायतें लगी होती हैं। इसमें ना कोई पंचायत का कंट्रीब्यूशन होता है, इसमें एक स्थानीय लोगों का ही आपस में पैसा कलेक्ट करके पुल का निर्माण किया जाता है। जो 4 महीने 8 महीने हम इस पुल से जाते हैं, बरसात में हम उस पुल से जाते हैं, बरसात के समय ये पुल पानी में बह जाता है। इस पुल को बनाने के लिए 25 से 30 हजार रुपये पर खर्च आता है, जो कि हमारी स्थानीय जनता ही खर्च करती है। के दिनों में तो हमें बहुत समस्या आती है, लेकिन आजकल जो है हम इस छोटे से अस्थाई पुल का, जो जिसको हम त्रंगड़ी बोलते हैं, इसका निर्माण करते हैं। गांव के लोग, 2-3 गांव के लोग मिलकर के इसका जो खर्चा बहाल करते हैं। तो हमारी समस्या ये है कि इस पुल को जो है यहाँ पर एक पुल दिया जाए, जिसकी एक DPR भी बनी थी पहले, लेकिन उसका भी हमें कोई पता नहीं चला, जो कांग्रेस के टाइम में बनी थी। आजकल वो उस चीज़ का हमें कोई पता नहीं है कि वो पुल के लिए बनी थी। क्या मांग रहती है अब सरकार से? हमारी मांग यही है जी कि हमारा हर कार्य जो है वो थुरल से होता है। थुरल में बाजार है, बैंक है, हर एक चीज़ जो है हमारी थुरल से आती है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक पुल बनाया जाए, ताकि हम लोगों की, गांव की या पंचायत की, जो भी 2-3 पंचायतें पड़ती हैं पीछे, उनकी ये समस्या जो है वो हल हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, कांगड़ा।